असलम एंड गुड मॉर्निंग क्लास आई होप यू आल आर फाइन एंड एन्जॉइंग यूर ऑनलाइन क्लासेज वेलकम टू यंप्यूटर साइंस क्लास एंड आई एम यीचर मिसमिदाजमरद स्टूडेंट्स ओपन पेज नंबर फिफ्टी टू ऑफ योर बुक्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कि जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं ठीक है हमें उसकी स्क्रीन पर क्या क्या ग्राफिक्स नज़र आते हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं थोड़ा सा हम इसको रिवाइज करेंगे क्योंकि हमारा आज का लेक्चर कल वाले लेक्चर से लिंकड है तो हम जब डेस्कटॉप को ओपन करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें विजिबल होती हैं सबसे पहले तो पॉइंटर जो कि कर्सर होता है हमारे माउस का ठीक है सब लोग कंप्यूटर यूज़ करते होंगे घर में सब ने देखा होगा उसके बाद स्क्रीन पे हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और आइकन नज़र आते हैं इस तरह से जिस चीज़ को हम ओपन करना चाहते हैं हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं और वो ओपन हो जाती है ठीक है उसके बाद टास्क बार है ये आप अगले पेज देखिए दिस इज़ टास्क बार ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप पे ठीक है उसके बाद है अच्छा वन मिनट टास्क बार के ऊपर ही स्टार्ट बटन होता है जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हो और आप स्टार्ट बटन को क्लिक करते हैं तो ये मेन्यू सारे का सारा ओपन हो जाता है और इसमें से आप अपने डिज़ायर्ड कोई भी फाइल है या कोई भी चीज़ आप ओपन कर सकते हैं ये देखिए दिस इज़ अ पॉइंटर ये आपको जो छोटा सा एक एरो नज़र आ रहा है ठीक है ये क्या है पॉइंटर है और ये कैसे मूव करता है माउस होता है जैसे जैसे आप माउस को मूव करते हैं तो ये उसी तरह मूव करता है ठीक है दिस इज टास्क पर एंड दिस इज स्टार्ट बटन उसके बाद नेक्स्ट है ऑल प्रोग्राम्स ऑल प्रोग्राम्स अलाउ यूजर्स टू सिलेक्ट फ्रॉम ऑल द प्रोग्राम्स एंड फाइल्स स्टोर्ड ऑन द सिस्टम उसके बाद जब आप इसको स्टार्ट करते हैं ना स्टार्ट बटन को क्लिक करते हैं तो एक मेन्यू स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है यहाँ पर एक आपको नज़र आ रहा है ये देखिए एक आईकन नज़र आ रहा है ऑल प्रोग्राम्स जब आप ऑल प्रोग्राम्स को क्लिक करते हो तो इसका मतलब है इसमें वो तमाम चीज़ें ओपन हो जाती हैं जो कि उस कंप्यूटर के अंदर स्टोर हैं ठीक है थीके? जितने भी प्रोग्राम्स और जितनी भी फाइल्स इस कंप्यूटर के अंदर स्टोर हुई हुई हैं वो सारी की सारी ओपन हो जाती हैं इसको क्लिक करते ही ठीक है और फिर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ ओपन कर सकते हैं देन नेक्स्ट इज सर्च द सर्च फीचर अलाउज़ यूज़र टू फाइन एन ओप एंड ओपन अ प्रोग्राम और फाइल बाई टाइपिंग इट्स नेम फिर आपको यहीं पर ऑल प्रोग्राम्स के नीचे एक ये देखिए बॉक्स नज़र आ रहा है ये सर्च का साइन है ये ऐसा फीचर है कंप्यूटर का कि अगर आप मतलब क्योंकि आपके कंप्यूटर पे बहुत सारी चीज़ें सेव्ड हैं बहुत सारी फ़ाइल्स सेव्ड हैं तो आप के लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है इतनी सारी चीज़ों में से कोई एक पर्टिकुलर फ़ाइल ओपन करना तो आप क्या कर सकते हैं आप सर्च बार में उस फ़ाइल का टाइटल या जो भी आपने उसको नाम दिया है या जो कोई भी प्रोग्राम है कोई भी प्रोग्राम या फाइल आप ओपन करना चाह रहे हैं तो उसका आप नाम यहाँ पर टाइप करते हैं ठीक है उसका जब आप नाम टाइप करते हैं और ओके क्लिक करते हैं तो वो प्रोग्राम या वो फाइल आपके सामने आ जाता है और आप उसको ढूंढने की जहमत से बच जाते हैं ठीक है मतलब जो भी आपने सर्च करना है जो भी ढूंढना है आप डायरेक्टली यहाँ पर उसका नाम टाइप करें वो चीज़ आपके सामने खुद ही आ जाएगी फिर है शट डाउन शट डाउन का ऑप्शन भी आपको यहीं पर नज़र आएगा इसी मेन्यू में ये देखिए ठीक है शट डाउन का ऑप्शन क्या करता है इट अलाउज द यूज़र टू शट डाउन द कंप्यूटर अगर आप कंप्यूटर बंद करना चाह रहे हैं शट डाउन करना चाह रहे हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे और कंप्यूटर वुड भी शट डाउन द राइट एंड ऑफ द टास्क बार कंटेन्स द नोटिफिकेशन एरिया ये देखिए जो टास्क बार का ये था लेफ्ट एंड यहाँ पर होता है स्टार्ट बटन जो इसका राइट right एंड है यहाँ पर है नोटिफिकेशन एरिया ये देखिए ठीक है नोटिफिकेशन एरिया आप क्या है दिस एरिया डिस्प्लेज द टाइम डेट एंड वॉलीम सेटिंग ऑन द कंप्यूटर यहाँ पर हमें यह देखिए टाइम नज़र आता है ये देखिए टाइम नज़र आ रहा है डेट नजर आ रही है और वॉल्यूम सेटिंग नज़र आ रही volume, है वॉल्यूम क्या सिस्टम का वॉल्यूम ठीक है कंप्यूटर का जो वॉल्यूम होता है उसकी सेटिंग जहाँ पर मौजूद होती है देखिए स्पीकर का एक छोटा सा वो ग्राफिक बना हुआ है ठीक है तो ये क्या है दिस इज़ नोटिफिकेशन एरिया नोटिफिकेशन एरिया में क्या क्या चीज़ें होती है नोटिफिकेशन एरिया डिस्प्ले द टाइम डेट एंड वॉल्यूम सेटिंग्स द स्पेस बिटवीन द स्टार्ट बटन एंड द नोटिफिकेशन एरिया इज यूज टू डिस्प्ले अ टैब फॉर ईच ओपन विंडो अब ये जो दरमियान में खाली जगह है ना ये सारी की सारी बिटवीन स्टार्ट बटन एंड बिटवीन नोटिफिकेशन एरिया जितनी भी टास्क पर के ऊपर ब्लैंक स्पेस है ये किस लिए है हम जो भी प्रोग्राम या जो भी विंडो ओपन करेंगे कोई भी प्रोग्राम ओपन करेंगे करेंगे या कोई भी फाइल ओपन करेंगे तो उसकी टैब यहाँ पर डिस्प्ले होती जाएगी लेट्स सपोज आपने गूगल ओपन किया हुआ ये देखें ये गूगल का टैब आपको नज़र आ रहा है आपने कोई नोट्स ओपन किए स्टिकी नोट्स वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं यहाँ पर आप अपनी कोई असाइनमेंट ओपन कर लें वर्ड की कोई फ़ाइल आप ओपन कर लें तो यहाँ पर वो शो होगा यानी कि इसमें वो सारी टैब्स नज़र आती हैं जो आप एट अ टाइम अगर एक से ज़्यादा फ़ाइल्स आपने खोली हैं आप एक से ज़्यादा फाइल्स रन कर रहे हैं एट अ टाइम तो आप यहाँ पर उनको देख सकते हैं ठीक है और आप एक से दूसरी फ़ाइल पर जंप भी कर सकते हैं कैसे फॉर एग्जाम्पल अभी अगर आपके पास स्टिकी नोट आपके सामने ओपन है स्क्रीन के ऊपर और आपने गूगल ओपन करना है ओपन तो आपने ऑलरेडी किया अब आपने जस्ट पॉइंटर को इसके ऊपर ला के क्लिक करना है और ये वाली विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी ठीक है फिर ये कुछ बेसिक आइकन हैं जो कि डेस्कटॉप के ऊपर मौजूद होते हैं ये आप देखिए दिस इज़ कंप्यूटर ऑप्शन या कंप्यूटर आइकन है इसको हम कह सकते हैं जो आप इसको ओपन करते हैं तो क्या चीज़ ओपन होती है दिस ऑप्शन ओपन अ विंडो गिविंग इन्फॉमेसन अबाउट द ड्राइव्स एंड पेरेफ्रल डिज़ अ ड्राइव इज़ अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर्स मेमोरी जो आप इसको ओपन करते हैं तो एक विंडो ओपन होती है और उस विंडो के ऊपर इन्फॉमेशन होती है अबाउट द ड्राइव्स एंड पेरीफ्रल डिवाइसिसज यानी कि उस कंप्यूटर में कौन कौन सी डिवाइसिस मौजूद हैं ठीक है एक तो उसमें ड्राइव होती है जो कि कंप्यूटर की अपनी मेमोरी है उसके अलावा उसमें सी फोल्डर है ठीक है डी फोल्डर है ये जितने भी अगर आपने मज़ीद कुछ फोल्डर्स बनाए हुए हैं फाइल्स बनाई हुई हैं तो वो सारे के सारे जब आप इसको ओपन करते हो तो वो उसकी इन्फॉमेसन वाली विंडो ओपन हो जाती है और उसमें से फिर आप जो ओपन करना चाहते हैं आप इसीलिए ओपन कर सकते हैं फिर ये देखिए दिस इज़ रिसाइकल बिन दिस आई कैन ओपन विंडो दैट डिस्प्लेस ऑल द डिलीटेड आइटम्स आप कंप्यूटर से कोई भी चीज़ डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती है ठीक है वो परमानेंटली कंप्यूटर से डिलीट होने से पहले वो रिसाइकल बिन में जाती है अगर आप उसको वहाँ से दोबारा रिस्टोर करना चाहें तो यू कैन डू दैट तो रिसाइकल बिन को आप ओपन करते हैं तो कौन सी विंडो ओपन होती है इट अ विंडो दैट डिस्प्लेज ऑल द डिलीटेड आइटम्स यानी कि आप इसको ओपन करके तमाम डिलीटेड आइटम्स आप देख सकते हैं फिर ये डॉक्यूमेंट फोल्डर है इट कंटेन्स फाइल्स एंड फोल्डर्स जितने भी फाइल्स या फोल्डर्स आपके हैं वो इसके अंदर होते हैं फिर एक आइकन आपको नज़र आ रही है ये ई e लिखा हुआ है दैट इज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर इट ओपन विंडो दैट डिस्प्लेज इंफॉमेशन फ्राम द वर्ल्ड वाइड वेब ठीक है यानी कि इसको ओपन करके आप इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकते हैं फिर एक फोल्डर होता है लाइब्रेरीज़ वाला दिस कंटेंट्स फोल्डर्स फॉर डॉक्यूमेंट म्यूज़िक एंड इमेज फाइल्स लाइब्रेरीज वाले फोल्डर में क्या होता है इसमें डिफरेंट फोल्डर्स होते हैं जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं म्यूज़िक होते हैं इमेज फाइल्स यानी कि पिक्चर्स वगैरह होती हैं तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपको डेस्कटॉप के ऊपर नजर आती हैं मैंने भी ओपन बना कंप्यूटर और आप इनमें से अपनी डिज़ायर्ड जो भी फाइल या फोल्डर आप ओपन करके कंप्यूटर को रन कर सकते हैं ठीक है दैट वॉज़ ऑल अबाउट टुडे थैंक यू सो मच